बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बाबुल शहर की एक बदकार औरत मर गई तो उसके घर वालों ने इसे दफन तक न किया बल्कि कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बात करने के लिए गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जाओ, मेरी कनीज की लाश कूड़े पर पड़ी हुई है, इसे गुस्ल दिलाओ और इज्जत के साथ दफना दो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस आए और बाबुल शहर में दाखिल हुए। तलाश करते करते एक जगह देखा कि कूड़े पर एक लाश पड़ी है और इसके इर्द गिर्द चार कुत्ते इसकी रखवाली कर रहे हैं ताकि कोई दरिंदा इसकी लाश को पामाल ना कर सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसके घर का पता पूछा और उनसे कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। औरत के घर वालों ने कहा, हम इस लाश के करीब भी नहीं जाएंगे। ये एक बदकार औरत की लाश है जिसने अपनी सारी जिंदगी बदकारी में गुजार दी। पूरे शहर में कोई भी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा कि लाश को उठाने में मेरी मदद करो। दोनों नबियों ने लाश को उठाया और जब गुस्ल देने की बारी आई तो शहर की कोई औरत भी इसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी। ये देखते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जोजा और बहन को हुक्म दिया कि इस औरत को गुस्ल दो। गुस्ल के बाद अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की मदद से उस औरत को दफन किया। दफनाने के बाद जैसे ही आप वापस आ रहे थे तो शहर वाले लोग आप अलैहिस्सलाम के सामने आ गए। वो सब मिलकर आप अलैहिस्सलाम से कहने लगे, या तो हमें इस बात की वजाहत दें कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत क्यों दी, या फिर वो कलमा जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें पढ़ाया है हम आपको वापस करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से फरमाया, ऐ शहर के लोगों, मुझे जो हुक्म अल्लाह ने दिया तो मैंने उस हुक्म की तामील कर दी। हाँ, अगली बार जब मैं कोहे तूर पर गया तो तुम सबको तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये सुनकर लोग वापस चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोहे तूर पर गए तो फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, इस शहर के लोग मुझसे इस बात की वजाहत मांगते हैं कि एक बदकार औरत को इतनी इज्जत से क्यों दफन किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, ये औरत बदकार थी और इसकी सारी जिंदगी बदकारी में गुजर गई, मगर एक दफ़ा ये एक ऐसी जगह से गुजर रही थी जहाँ पर कुत्ता प्यास की शिद्दत से मर रहा था। इस औरत को कुत्ते की हालत पर रहम आ गया और इसने पानी के कुएं से अपने कपड़े गीले किए और कुत्ते के मुंह में निचोड़ दिए। प्यासे कुत्ते के मुंह में जब पानी आया तो इसके तड़पते हुए जिस्म में जान आ गई। मुझे औरत की रहम दिली पसंद आ गई और मैंने इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए और मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज कर डालो ताकि ये आइंदा बदकारी ना कर सके। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।